आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज कैन बी क्लासिफाइड एज लुईस एसिड? लुईस एसिड क्या होता है? देखिए, कोई स्पीशीज अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, इनको बोलते हैं हम लोग लुईस एसिड। ठीक है, देखिए CH3+Cl+, अब लोन पे एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए होगा वेकेंट ऑर्बिटल। तो देखिए CH3+ है हमारे पास, यहाँ मैं यूज करूँगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक नंबर रूल। वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर मान लीजिए 2 निकल के आ गया तो ये बन जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 निकल के आ गया तो ये बन जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 निकलने से बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए CH3+ है हमारे पास पहला कंपाउंड। अब कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, एक बार निकल गया तो इसके पास 3 एच है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मैं बात करूँ कार्बन की, देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, इसको बेटर रहेगा, 1s2, 2s2, 2p, 2p2। अब s में 2 होते हैं, p में होते हैं इसके 2, तो ये बॉन्डिंग करता है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ से हटा के यहाँ भेज देता है। अब चूंकि प्लस आ गया इस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा बाहर यहाँ से, फिर ये हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया इसका वेकेंट, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इसके पास प्योर वेकेंट बचा हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर, इसका मतलब ये बन जाएगा लुईस एसिड। तो ये हमारा आंसर है। आपके पास फिर Cl+ है, तो Cl क्या होता है, देखिए नियॉन, 3s2, 3p5, 2 होते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि देखिए Cl नहीं है, Cl+ है, तो यहाँ से एक बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा p4, ये आ गया आपके यहाँ से। ठीक है, अब इसके पास 3d पूरा खाली पड़ा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी आपका लुईस एसिड बन सकता है। थर्ड बात करते हैं CO2 की, इस तरह का होता है ये CO2। कार्बन का देखा जाए तो sp बनता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं पाई, 2 बॉन्ड बनते हैं पाई। देखिए sp हमारा हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, sp का मतलब क्या है, एक इसका s और जो px, py और pz थे उनमें से हमारे 2 की मिक्सिंग हुई है बस, बाकी 2 वेकेंट बचे जिन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बट चूंकि ओके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी होती है, तो जगह यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई अटैक कर रहा है, जिसके पास लोन पेयर है वो उस पर अटैक कर रही है, तो क्या करता है, एक कार्बन बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देता है, जिससे इसका कोई एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, वहाँ पे हमारा ये लोन पेयर ले सकता है, तो ये भी लुईस एसिड बन जाता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। बात करते हैं CCl2 से, तो CCl2 हमारे पास कार्बिन होता है बेसिकली, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होता है, और ये जो आपके पास है स्पीसीज इस तरह की होती है। बात करते हैं पहले कार्बन से, देखिए मैं सीधे सीधे दिखा रहा हूँ किस तरह का बनता है ये, 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन दो तरह की होती है, मैं मान रहा हूँ कि दोनों लोन पेयर इसके होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही है। ठीक है, तो मैं ये हम लोग मिक्सिंग करने के बाद sp3 बना था, उसके बाद सेल बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो खाली होता है एक्चुअली, बेसिकली हमारा जो ऑर्बिटल होता है प्योर नहीं होता है, वो भी जो खाली होता है वो हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। जो ऐसे जब इनके सबकी मिक्सिंग हो जाती है sp3 बनता है। ठीक है, sp3 बनने के बाद सेल हमारा बाहर निकलता है, जो खाली कर देता है, लोन पेयर हमारा इधर आ जाता है। तो ये हमारा लोन पेयर आ गया, एक हमारे पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हमारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे
चार हमारे पास कार्बन के पास है, यहाँ सी एल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी एल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये जब के पास ऑर्बिटल है ना, इसमें एक्सेप्ट कर सकता है, बेसिकली ये जो सी सी एल टू होता है ये दोनों की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, मतलब लोन पे भी डोनेट कर सकता है और काम कर सकता है लुसेंट की तरह भी। तो इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे आपके एक्सेप्ट कर सकता है। ये भी क्या बन गया, लुसेंट बन गया। फिर बात करते हैं बी आई थ्री से। बी आपके पास ये क्या होता है, वन एस टू, टू एस टू, टू पी वन, एस में दो है, पी में एक है, यहाँ शिफ्ट कराएगा इसको, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा आई हाइड्रोजन के बाद, एक इसके पास खाली है, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा लुईस एसिड, ठीक है। ये भी काम कर रहा है लुईस की तरह, ये भी हमारा आंसर हो गया। सॉरी हम चेक किया, अभी सेम बी सी एल थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई लिखा, यहाँ पे आपके पास सी एल सी एल लग जाएंगे, एक ही बात है। ये भी लुईस एसिड हो गया, ये भी लुईस एसिड हो गया। बात करते हैं एफ ए टू प्लस से। देखिए आयरन क्या होता है, आर्गन, फोर एस टू, थ्री डी सिक्स, एफ टू प्लस क्या हो जाएगा, आर्गन, थ्री डी सिक्स, फोर एस खाली हो गया इसका, वो फोर भी खाली ही है, फोर डी पूरा खाली ही पड़ा है इसका, तो ये तो बहुत सही आ बनेगा, लुसेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ए एल सी एल थ्री भी आपका लुसेंट बन सकता है, देखिए किस तरह से, यहाँ कर देते हैं ए एल सी एल थ्री के लिए। तो जो एल्यूमिनियम है ये बनता है आपका नियोन, सॉरी नियोन, थ्री एस टू, थ्री पी वन, एस में दो है, पी में एक है, सी एल थ्री जोड़ने के लिए एक को यहाँ पे भेजेगा, मिक्सिंग कराएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एस पी टू, ओवरलैपिंग हो जाएगी सी एल की, एक हमारे पास ऑर्बिटल बचेगा खाली, जिसमें ये आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास इवन थ्री डी भी खाली बचेगा, तो वहाँ पे भी ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये हमारा अच्छा लुसेंट बन सकता है। तो सारे लुसेंट हैं, कितने हैं ये, एट है, आपका आंसर हो जाएगा एट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।